नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गीक समय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Redmi Note 6 Pro के बारे में। Redmi Note 6 Pro ग्लोबली या फिर चाइना में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, पर यहाँ पे जो अली एक्सप्रेस है, आपको शायद पता होगा, जो कि चाइनीज ई कॉमर्स साइट है, यहाँ पे आपको Redmi Note 6 Pro देखने को मिलेगा। अली एक्सप्रेस के मुताबिक Redmi Note 6 का क्या स्पेसिफिकेशन आया है, आज मैं आपसे उसी बारे में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अली एक्सप्रेस में जो Redmi Note 6 Pro अवेलेबल है, ये बेसिकली इंग्लैंड और US के लिए अवेलेबल है। अगर कोई कंज्यूमर इंग्लैंड और US से है तो वो ऑब्वियसली इस स्मार्टफोन को खरीद सकता है, पर इंडियन कंज्यूमर्स के लिए ये अभी भी अवेलेबल नहीं है। पर ये जो स्मार्टफोन्स है, इनको उन कंज्यूमर्स तक पहुँचने में ऑलमोस्ट 60 दिन का टाइम लगेगा, मतलब 60 डेज। तो मुझे लगता है इन्हीं 60 डेज के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा ग्लोबली। तो अली एक्सप्रेस के मुताबिक Redmi Note 6 Pro में क्या स्पेसिफिकेशन है, चलिए देख लेते हैं। तो Redmi Note 6 Pro में आपको सबसे पहले 1080p का डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन है 2160x1080। डिस्प्ले साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.28 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर डिस्प्ले है, ये बेसिकली एक नॉच डिस्प्ले है, और एस्पेक्ट रेशियो है 19:9। अब रैम और स्टोरेज वेरियंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 3GB का रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा अली एक्सप्रेस के मुताबिक। पर कुछ दिनों पहले जो बॉक्स लीक सामने आया था Redmi Note 6 Pro का, वहाँ पे बताया जा रहा था कि 4/64 का भी एक मॉडल होने वाला है। अब जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा तब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रोसेसर की। तो यहाँ पे अली एक्सप्रेस के मुताबिक यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 636 देखने को मिलेगा। कैमरा की बात करें तो बैक में आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर देखने को मिलेगा, और फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 4000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। अब ये जो सारे स्पेसिफिकेशन है, ये अली एक्सप्रेस के मुताबिक है। अब ये स्मार्टफोन तो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, या फिर ग्लोबली या फिर चाइना में कहीं पे भी ये स्मार्टफोन अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये स्मार्टफोन सिर्फ अली एक्सप्रेस पे अवेलेबल है, और ये स्मार्टफोन उन कंज्यूमर्स को मिलेगा, इंग्लैंड और US के कंज्यूमर्स को मिलेगा, आज से ऑलमोस्ट 60 दिन के बाद। तो बेसिकली टाइम बहुत है, उसके अंदर लगता है ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा, और तब तक उन लोगों के पास ये स्मार्टफोन पहुँच भी जाएगा। अब शायद कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि ये स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर है या फिर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ इंडियन वेरिएंट में आपको फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाएगा, और चार्जिंग और डाटा सिंक के लिए यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट को यूज़ किया गया है। और स्पीकर ग्रिल की बात करें तो इस स्मार्टफोन के नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि अली एक्सप्रेस बता रहा है। और कैमरा की लोकेशन आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो किस तरह का दिया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं प्राइस की। तो ये स्मार्टफोन जब इंडिया में आएगा तब कितने प्राइस के साथ आएगा मुझे नहीं पता, पर ये स्मार्टफोन अभी अली एक्सप्रेस पर अवेलेबल है। अली एक्सप्रेस के मुताबिक आपको पे करना पड़ेगा 14,100 रुपये से लेके 15,900 रुपये के अंदर, अगर मैं उस करेंसी को डॉलर को इंडियन रुपीज़ के हिसाब से कन्वर्ट करता हूँ। तो अगर मैं डॉलर के हिसाब से बात करूँ तो आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट $193.99 से लेके $218.99 तक। तो इसी के अंदर कुछ प्राइस आपको देखने को मिलेगा अगर आप अली एक्सप्रेस को खोलते हो तब। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अली एक्सप्रेस का लिंक दे रहा हूँ, अगर आप और डिटेल्स जानना चाहते हो तो वहाँ पर विजिट करके आप इस फ़ोन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। जब Redmi Note 6 Pro इंडिया में आ जाएगा तब क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यही पसंद करता हूँ। देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर देना। इससे ये होगा कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यही पसंद करता हूँ। देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।